हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ ओलिविया और ये है हमारा टीम एक्स ORG चैनल। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने को मत भूलना और लाइक तो प्लीज़ दीजिएगा, और अगर पसंद ना आए तो प्लीज़ अनलाइक मत देना। इस वीडियो में हम आज दिखाएंगे क्लास में एस्ट्रॉइड बॉक्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हमें जानना होगा क्लासमेट एस्ट्रॉइड बॉक्स है क्या। हम जानते हैं क्लासमेट एस्ट्रॉइड बॉक्स है एक जियोमेट्री बॉक्स। तो इनमें सम मैथमेटिकल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमें क्या क्या है वो जानना होगा। तो इसमें है, तो जानने के लिए हमें खोलना होगा। और ये रही वो, हमारे पास एक गाइड बुक, हमें गाइड बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये है वो पेंसिल बॉक्स, ये है वो ज्योमेट्री बॉक्स, और हमारे पास है ए रोटेटर, ए सेट स्क्वायर 60 डिग्री एंड सेट स्क्वायर 45 डिग्री, ए फोल्डेबल स्केल और लिफ्ट स्केल, एक ये है एक मैकेनिकल पेंसिल, और ये है ए लिड बॉक्स ऑफ 10 लिड्स, ये एक पेंसिल है, इरेजर और शार्पनर, और ये एक कंपास है, और वी हैव द डिवाइडर हियर, इसे हम अटैच करके डिवाइडर बना सकते हैं। सो अब हम इसे खोल के दिखाएंगे। ये है फोल्डेबल स्केल और लिफ्ट स्केल, तो इसे खोलते हैं ऐसे यहाँ पर, और ऐसे हम इस स्केल को बड़ा बना सकते हैं। तो हम देखेंगे इसे ये कैसे दिखता है। ये ऐसा दिख रहा है, ये बड़ा बन चुका है, और हमें बड़े नोटबुक के लिए लाइन खींचने के लिए बड़ा स्केल नहीं चाहिए, इससे ही हम लाइन टान सकते हैं। और ये है, और इसमें 30 सेंटीमीटर तक नंबर है, तो हम इसे छोटा भी कर सकते हैं ऐसे। और इसे बंद करने के लिए हमें ऐसे यहाँ पर जो होल है उसे हमें अटैच करना होगा, और ये हो चुका है। तो अब हमारे पास है सेट स्क्वायर, और ये है 60 डिग्री का, ये है सेट स्क्वायर 45 डिग्री का। एंड फाइनली आई हैव दिस रोटेटर, इससे हम एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, और एंगल का एंगल से हम पता लगा सकते हैं। और दिस पोर्शन इज कंप्लीट, नाउ दिस पोर्शन, ये है एक इरेजर, क्लासमेट डस्ट फ्री इरेजर, इट्स रियली डस्ट फ्री, मैं इसे यहाँ रख रही हूँ। और यह है एक पेन पेंसिल, और ये पेन पेंसिल कमाल की चीज़ है, इसे हम ऐसे यहाँ दबा के खोलते हैं, और बंद करने के समय ऐसे करते हैं और इसे ऐसे दबाते हैं तो ये बंद हो जाता है। तो मैं इसे भी यहाँ रख रही हूँ। और मेरे पास है कुछ लिड्स फॉर दिस पेन पेंसिल, और ये लिड यहाँ 10 लिड्स हैं, और ये है लिड बॉक्स। तो मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ, इसे खोलना बहुत ईजी है और ये बहुत स्मूथ भी है, ऐसे खोलना पड़ता है हमको। मैं रख देती हूँ यहाँ, और ये है वो बॉक्स, तो निकालते हैं हम लिड्स, ये 10 लिड्स हैं, हम इसे ऐसे
जमा करते हैं और ये नॉट फॉर सेल है, सिर्फ इसी के साथ ही मिलता है। मैं इसे इस तरफ रखूंगी और दिस इज द बॉक्स। मेरे पास ये पेंसिल, ये पर्पल कलर्ड है और ये पेंसिल है। और मेरे पास एक शार्पनर है जो पर्पल कलर है, इट्स वेरी शार्प। इस बॉक्स की हर चीज़ पर्पल कलर की है। एंड फाइनली मेरे पास है शाम एक कंपस, एंड इस कंपस के साथ है एक आर्म लॉक। हम इसे घुमा के लॉक कर सकते हैं तो ये नहीं खुलेगा, ये नहीं खुल रहा। और अगर हम इसे ढीला कर दे तो ये आसानी से खुल जाएगा। तो और हमारे पास है ये पार्ट, ये सिर्फ एक कंपास नहीं है, ये कंपास कम डिवाइडर है। बिकॉज हम इसे निकाल के ये अटैच कर दे तो ये एक डिवाइडर बन जाता है और ये भी पर्पल कलर का है। तो अब हम इसे यहाँ रखते हैं और ये है वो खाली जगह इसके अंदर की, और बाहर है ऐसा। दिस द होल थिंग। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। प्लीज लाइक दिस एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। बाय बाय।